हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे आप लोग? उम्मीद और आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं हूँ पुष्पिंद भदौरिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पीजे एंटरटेनमेंट ब्लॉग। हाँ जी, तो दोस्तों, एक मेरे नए ब्लॉग में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ और नई आशा मंग के साथ आप लोग सामने फिर से हाजिर हूँ दोस्तों। और आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ दोस्तों घर से ही। देख लीजिए, पीछे घर का गेट है, तो आज यहीं से दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और चलिए दोस्तों, चल करते हैं वीडियो कंटिन्यू और बढ़ते हैं ब्लॉग में आगे, क्योंकि आज संदीप छुट्टी पर है दोस्तों, लेकिन उसको मैं थोड़ा एक जगह पे छोड़ना, वहाँ पे छोड़ के फिर अपन बढ़ेंगे दोस्तों अपने शोरूम की ओर। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। तो एक बस में बैठे हुए थे, अभी देना तो मेरे को ले जाना था गाड़ी, लेकिन संदीप को दे दी। तो काम वगैरह जा रहा था, कहाँ इन्होंने जा था, कल ले जा भाई, तेरी गाड़ी ले जा, मैं बस चला जाता हूँ। तो अभी जस्ट बस में ही बैठे हुए हैं, उसको देखते कब तक पहुँचते हैं। अभी हो रहा होगा 12:30 के आसपास। चलिए लेट से देखते हैं कब तक शोरूम पहुँचते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस, तो पहुँच चुके थे हबीबगंज नागा, बस से तो उतर गए, बस अपने इधर जा रहे हैं। जब मुश्किल से 15-20 मिनट का और डिस्टेंस होगा शोरूम का। तो चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट आप लोगों से शोरूम पर ही मिलूँगा, थोड़ा तेज़ दौड़ना है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं डायरेक्ट शोरूम पर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गए हैं शोरूम और शोरूम में बढ़िया से कुर्ता पजामा चेंज कर लिए हैं। और बस लेट सी दोस्तों, अब करते हैं ब्लॉग का फिर से चालू और देखते हैं आज क्या क्या होने वाला है। जो भी होगा मैं आप लोगों को बताता रहूँगा दोस्तों। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं आपको अभी शाम को बताऊँगा, या हो सके तो फिर मैं जरूर बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं अब वीडियो को कंटिन्यू आगे के लिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहाँ भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। जी गाइस, तो हो चुका है खाने का टाइम और लंच में यहाँ दोस्तों आलू की सब्जी और रोटी। हाँ जी, तो दोस्तों करते हैं अब लंच को फिनिश और मिलता हूँ मैं आप लोगों से अब लंच के बाद। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आप लोगों के सामने सिर्फ लंच के बाद अब डायरेक्टली हाजिर हूँ दोस्तों। शाम का बज रहा होगा 5:30 और 5:30 बज गया है। जैसे अपन ने चाय वाय पी पा के बढ़िया से, तब आए आप लोगों से बाहर मिलने दोस्तों। क्या बहुत खतरनाक बिजी वाला शेड्यूल चल रहा था अंदर, क्या स्टॉक वगैरह जम रहा है वही डिस्काउंट वगैरह का, तो उस वजह से क्या टाइम मिलना पड़ा, शॉर्टेज हो रही टाइम की, उस वजह से मिल नहीं पा रहा हूँ आप लोगों से। सामने देख लीजिए आंटी बढ़िया छातला खड़ी हुई, क्योंकि दोस्तों बारिश हो रही है। तो इसका लाभ समझ लीजिए, बिल्कुल सुबह से ही बारिश हो रही है पूरी, मतलब रोड वगैरह सारा गीला हो चुका है। और अभी मैं क्या पेड़ के नीचे आया था, शेड करने खड़ा होकर वहाँ से ब्लॉगिंग कर रहा था दोस्तों। सोचा आप लोगों के सामने एक बार आ जाता हूँ। टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर हो रहा होगा 225 के आसपास, मतलब मौसम बहुत अच्छा खासा ठंडक महसूस हो चुकी है, बढ़िया मौसम चल रहा है और एक नंबर है दोस्तों, एक नंबर मज़ा आ रहा है। हालांकि ऐसा ही मौसम रहना चाहिए, ज़्यादा ना ठंडा ना गर्म, मीडियम रहे, थोड़ी ठंडक रहे नाइट में, वो कोई चीज़ दिक्कत नहीं होती। हालाँकि ठंड चल जाती है, लेकिन वजह कि जो बारिश का एक ये भी बड़ा वो रहता है माइनस पॉइंट की कीचड़ वगैरह ज़्यादा हो जाती है, तो एक ये भी चीज़ है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं चलता है। तो चलिए दोस्तों वापस चलते हैं अंदर, वो करते हैं अपना। हाँ जी गाइस, देख सकते हैं सब बढ़िया से, अभी ये शाम का वक्त हो चुका है, 6-7 बज रहा होगा दोस्तों। तो सभी फ्रेंड लोग, सभी अपने शोरूम का स्टाफ आराम कर रहा है, बढ़िया मोबाइल चला रहे हैं सब लोग बढ़िया, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे इसलिए थोड़ा सा रेस्ट रूम भी होना ज़रूरी। हाँ जी गाइस, तो मैं अब एक बात तो आपको बताना भूल गया, जो मैंने आपको रेलवे स्टेशन पर जो व्यू दिखाया था, क्योंकि क्या है दोस्तों आज 26 तो परसों कल है और 27 तारीख, तो कल के दिन क्या मोदी जी का आगमन है वंदे भारत के लिए, जो कि इंदौर से भोपाल और फिर भोपाल से जबलपुर के बीच चलेगी। तो इसको उसका इनॉग्रेशन रन के लिए मोदी जी आ रहे हैं भोपाल, तो बस उन्हीं की तैयारी के लिए सारा सब कुछ किया गया है। तो कल लेट्स सी, देखते अगर अपना हुआ वहाँ जाने का तो अपन जरूर जाएंगे दोस्तों, और आप लोगों को वहाँ का ब्लॉग जरूर देंगे।
लेकिन अगर नहीं गए तो फिर मैंने सोचा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन तो दे देता हूँ। कल के दिन है, मतलब जो भी होगा टाइमिंग वगैरह सेट रहेगी, तो वही 10:30 या 11 या 12 बजे के आसपास का टाइमिंग है। देखते हैं, अगर अपन आ पाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि कल मंगलवार का दिन है दोस्तों, तो कल अपना वीक ऑफ रहता है। वैसे भी अगर रहा तो मैं आप लोगों को दरगाह ब्लॉग जरूर देंगे दोस्तों। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ जी गाइस, तो हो चुका होगा अभी टाइम 7:30 के आसपास और अपन लोग आ चुके दोस्तों बाहर। बाहर हो रही है दोस्तों अभी भी बारिश, जैसे दिन में हो रही थी वैसे अभी भी चालू है, और बढ़िया से अपन यहाँ ब्लॉगिंग कर रहा है दोस्तों। ये है अपनी पार्किंग वाला एरिया, ये है नेशनल का, और अपना है सामने मंदिर। और बारिश तो है दोस्तों धीरे धीरे, और टेम्परेचर हो रहा होगा वही 25। मौसम में बराबर से ठंडक हो चुकी है दोस्तों, एक नंबर वाला माहौल चल रहा है, और अपन बढ़िया बाहर आके ब्लॉगिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत टाइम बचा हुआ तो सोचा तो आप लोगों से एक बार मिलते चले दोस्तों, तो फाइनली आप लोगों से आ गए दोस्तों मिलने। और ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कोहरा भी आएगा सुबह, हालांकि अभी तो नहीं है, लेकिन सुबह ऐसा लगता है कि कोहरे की संभावना पूरी पूरी है। हाँ जी, तो दोस्तों ये देखते हैं, लेकिन अगर हुआ तो जो भी होगा आपके सामने ही होगा दोस्तों, मैं आपको बताता रहूँगा जो भी रहता है, मैं आपको टाइम टू टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों आप चलते हैं अंदर की ओर, करते और अपना काम फिनिश, तो चलते हैं फिर। A few moments later. हाँ जी गाइस, तो अब हो चुका है आप लोगों से इस ब्लॉग में विदा लेने का समय, क्योंकि दोस्तों आज है मंडे के दिन, जैसे आप लोगों को पता ही रहता है मंडे के दिन मैं थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ। तो इसी के साथ ये ब्लॉग को अब मैं करता हूँ यहीं पे एंड दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जो भी मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन रहे सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे। हाँ तो चला जाए, तो चलिए दोस्तों अब मैं लेता हूँ आप लोगों को सुविधा। और हाँ दोस्तों, गुड नाइट, शुभरात्रि एंड शपक है। और हाँ दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए गुड नाइट। महाकाल का 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।